हरे कृष्णा मैं पूरी दुनिया में बोल सकता हूं बस गुरुदेव के सामने बोलने में तकलीफ होती है तो कुछ बातें जो मैंने पिछली दफा भी शेयर करी थी वो इतना हृदय के करीब है तो ब्रह्मचारी सब भक्त लोग उस समय से सेवा में थे आज नजदीक बैठे तो मैं शेयर करता हूं मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहता था सन 2005 से 2008, वो जीवन का सबसे अच्छा समय था और बहुत सिंसियरली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे मतलब डिसाइडेड था भक्ति सिद्धांत चतरी ठाकुर जी हमारे इंस्पिरेशन बन चुके थे तो सुना था कि अखंड ब्रह्मचर्य होता है कुछ कभी तो ऐसा बहुत सिंसियर हो गए थे लगे हुए थे बहुत अच्छे से और एक दिन कुछ रात को नींद में गड़बड़ हुआ अगले दिन गुरुदेव आए हुए थे मंदिर में तो मैं गया गुरु महाराज के पास मैं बहुत प्रीचिंग कर रहा था उन दिनों बहुत कॉलेजेस में सेमिनार करता था और खूब आई वाई एफ़ और सब अच्छे अच्छे सेंटर्स चल रहे थे लेकिन ऐसा हुआ तो बड़ा फील हुआ कि मैं गुरुदेव को जाके बता दूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ रात को कुछ स्वप्न में डिस्टर्बेंस हुआ माइंड में तो मैं गया गुरु महाराज को जा मैंने बोला महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ मेरा फॉल डाउन हो गया तो महाराज मेरी तरफ देखें और बोले कहाँ से <laughs> <laughs> तो तब मैं मुझे थोड़ा देर लगा समझने में महाराज कह रहे फॉल डाउन कहां से तुम पहले ही फॉल हो <laughs> तो गुरुदेव ही एक ऐसे व्यक्ति मुझे ये मेरा ही अपना बुद्धि कमजोर है कि वो एक ऐसे व्यक्ति मिले जो कि मोस्ट अनप्रडिक्टेबल पर्सन इन दिस वर्ल्ड आई एवर मेट इन लाइफ मैं हर व्यक्ति को मिलते वक्त सोच सकता हूँ कि मैं ऐसा कहूँगा तो वो ऐसा कहेंगे गुरुदेव भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं हमेशा सोचता हूँ मैं कुछ भी बोलूँगा महाराज कुछ ऐसा जवाब देंगे जो मैंने कभी सोचा नहीं होता है क्योंकि जैसा कि मैंने भक्तों से समझा है सीखा है कि हमारे भौतिक चिंतन के परे हैं तो बहुत इंटेलिजेंटली आके एक दिन मैंने गुरुदेव से बोला महाराज आपने कहा था वर्ल्ड में नंबर वन बनूँ तो मैंने बहुत मेहनत किया और अब महाराज आपकी कृपा से हमारे पास ये भी अवार्ड हो गया ये भी अवार्ड हो गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया चैनल भी वर्ल्ड में नंबर वन हो गया अस्सी करोड़ का व्यूअरशिप हो गया एक करोड़ छब्बीस लाख सब्सक्राइबर हो गया गुरुदेव साहब आपकी कृपा से वह तो आपने जैसा चाह हो गया तो मुझे लगा महाराज बहुत खुश होंगे महाराज ऊपर थोड़ा गर्दन ऊपर किए मुस्कुरा के बोले कृष्ण को समय नहीं लगेगा सब कुछ छीनने में फिर इसलिए मैंने बताया कि दी ओनली अनप्रडिक्टेबल पर्सन आई एवर सीन इन लाइफ फिर एक दिन मैं बहुत दुखी था मुझसे कुछ गलती हुआ महाराज ने गुड़गांव मंदिर में बुलाया मैं पहली बार गया था वहाँ और अभी मंदिर बन रहा था मैंने जाके गुरुदेव को बताया मुझसे ऐसा ऐसा गलती हुआ और तब गुरुदेव ने फिर से इसी सेकेंड बोला डोंट वरी प्रभुपाद विल फॉर गिव यू जब उन्होंने ऐसा बोला तो तब समझ आया कि अब इतनी बारी मैं अटैम्प्ट कर चुका हूँ इतने अटैम्प्ट कर चुका हूँ कि मैं अपना इंटेलिजेंस लगा के नहीं चलूँगा गुरुदेव को बताने से बात बनेगी तो एक बार शुक्रप्रिया प्रभु को आप सब जानते होंगे पुराने भक्त सब जानते हैं महाराज के सेक्रेटरी थे और ये अजीबो गरीब इंसिडेंट है मैंने बताया था शायद पिछली दफ़ा शेयर किया था पंजाबी बाग मंदिर में 2004 का समय था और मैंने गुरुदेव को रिक्वेस्ट किया कि आप क्या मेरी गाड़ी में ऑफ कैलाश मंदिर तक चलेंगे महाराज अग्री कर गए मैं नया भक्ता बिल्कुल और शुक्रप्रिया प्रभु ने थोड़ा प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया कि महाराज को लेट हो रहा है बस निकलने वाले हैं एकदम तैयार रहना तो मैं तैयार था साथ में केशव मुरारी प्रभु भी थे अभी हम आश्रम ज्वाइन नहीं किए थे दोनों पैंट शर्ट में हुआ करते थे तो हम तैयार हो गए अब हमने शुक्रप्रिया प्रभु से पूछा प्रभु गाड़ी में ना डीजल नहीं है थोड़ा कम है तो भरवा ला है अरे क्या बात कर रहे हो महाराज किसी भी समय निकल जाएंगे बिल्कुल बहुत लेट हो रहा है अब हम डीजल भरवाने जाए कि नहीं जाए जाए कि नहीं जाए और प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है कि महाराज निकलने वाले महाराज जी को निकलने में कुछ समय निकल लग गया पर रुकना ही था बैठे महाराज जी हमने गाड़ी स्टार्ट किया अब डीजल था नहीं अब प्रेशर और बिल्ड हो गया अब हमने सोचा कि पेट्रोल पंप में डीजल भरवाएं कि नहीं भरवाएं अगर भरवाया तो टाइम लग जाएगा और नहीं भरवाया तो गाड़ी बंद हो जाएगा और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे नया भक्त था मैं बहुत बिल्कुल डिसाइड नहीं कर तो मैं गाड़ी चलाते चलाते कभी डीजल बचाने के लिए ए ऑन कर रहा था कभी ए ऑफ कर रहा था मैं कहा मैं ए ऑफ करूँगा थोड़ा डीजल कम लगेगा तो मैंने ऐसे ही पूछा गुरुदेव से कि आपको एयर कंडीशन कैसे चलेगा तो तभी गुरुदेव ने बोला मुझे सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान का कोई असर नहीं होता सो लाइक आई ऑलवेज सेड गुरुदेव इज द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल पर्सन आप कुछ भी कह लो अपनी इंटेलिजेंस से गुरुदेव को जज करना बिल्कुल गलत है दैट्स दी ओनली थिंग आई हेव लर्न अपनी इंटेलिजेंस से गुरुदेव को जज करना इम्पॉसिबल है दैट्स माई मेजर लर्निंग एक बात में शेयर करना चाहता हूँ और रियलाइजेशन है मेरी कभी कभार अलग अलग मंदिर में हम जाते हैं अलग अलग भक्तों से मिलते हैं फिर कुछ भक्त बोलते हैं इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है क्यों आप इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं तो एक्चुअली जो हमारे गुरुदेव हैं वो असली आर ओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको बिजनेस में वो समझते हैं क्योंकि जैसे अनाज की खेती करते हैं ना देखिए एक बारी मंदिर बनता है उसमें सौ पचास करोड़ लगता है पर वो उसका जो आर ओ है वो अगले दो साल पांच साल तक नहीं आता क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल तो एक बार इन्वेस्ट होती है और वही मंदिर से अगले ऐसे जैसे अनाज की खेती हर चार महीने में करनी पड़ती है फिर बो फिर उगाओ फिर बो फिर उगाओ फिर बो फिर उगाओ एक बार आम का पेड़ लगा दिया चार पांच साल तपस्या जाएगी कुरुक्षेत्र मंदिर बनाना सब मंदिर बनाना खूब तपस्या जाएगी लेकिन एक बार बन जाता है आम का पेड़ लग जाता है तो उसके बाद, बाद अगले 200 साल हम अपने आप मिलते रहता है मिलते रहता है मिलते रहता है और ऐसे ही हमारे मंदिर जो शिला गुरुदेव ने इतने स्पीड और स्केल क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को स्केल करना बहुत मुश्किल है बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों को स्केल कर सकें तो गुरुदेव ने इतने सारे मंदिर बनाए इतने बड़े बड़े मंदिर जहाँ आने वाले सैकड़ों साल तक भक्त बनते ही रहेंगे 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 So, मैं कभी भी एक गुरुदेव के सामने मेरी आवाज़ नहीं निकलती है बिल्कुल भी पर फिर भी मैंने एक दिन प्रार्थना किया कृष्ण प्रिया प्रभु से भी प्रार्थना किया एक दो भक्तों को और भी प्रार्थना किया कि गुरुदेव बहुत ट्रैवल करते हैं तो एक अब उनकी बॉडी रेस्ट डिजर्व बहुत सालों से करती है और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके शरीर को कम से कम तकलीफ दिया जाए आप लोग अग्री करेंगे बोल तो ऐसा आज अब गुरुदेव जब कुछ बोलते हैं तो बोलने के साथ पूरा शरीर इस्तेमाल करना पड़ता है उनको पूरा शरीर हिला करके बोल पाते हैं तो वो देख के बहुत दुख लगता है उस समय बहुत दर्द होता है तो मैं गुरुदेव को रिक्वेस्ट किया कि हम एक अच्छी सी गाड़ी होती है बड़ी जो डी मॉडिफाइड हो जाएगी लगभग एक करोड़ रुपये की बन जाएगी गाड़ी और उस गाड़ी में आप कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ आगरा इधर जयपुर कहीं 200 300 400 500 सौ किलोमीटर तक आप ट्रैवल सोते हुए कर सकते हैं रेस्ट कर सकते हैं बीच में दो घंटा तीन घंटा तो बहुत शक्ति मिलती क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता था तो मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ जो बहुत ट्रैवल नहीं करते वो नहीं इस बात को समझ सकते हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं वही समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग से क्या तकलीफ होती है सो so, गुरुदेव ने पूछा कितना पैसा लगेगा मैं बोला एक करोड़ के आसपास में हो जाएगा बहुत अच्छा तो महाराज ने बोला ठीक है आप एक करोड़ दे दो मेरे को गाड़ी मेरी यही चल जाएगी <laughs> तो गुरुदेव ने बोला मैं रेस्ट नहीं करता मैं चा, चांटिंग करते हुए जाता हूँ और मैं सो गया तो मैं चांटिंग नहीं कर पाऊंगा फिर मैंने प्रभु जी को भक्तों को रिक्वेस्ट किया पर कोविड का ये एक बेनिफिट है कि अब गुरुदेव ट्रैवल नहीं कर रहे और यहाँ रह रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप सबको ठीक लगे और जब अच्छा लगे जब कर सकते हैं तो हमें गुरुदेव के लिए उनकी बहुत हालत या तबीयत खराब होने पे जब नहीं क्या अगर आप लोग को ठीक लगे तो हमें सबको सारे गुरु भाइयों को मैसेज देना चाहिए कि गुरुदेव के लिए हम सबको कम से कम एक माला रोज शुरू कर देना चाहिए और उनकी सेहत के लिए उनके जीवन के लिए जितना हमें उनका आशीर्वाद मिल सके देर इज़ अ फियर ऑफ मिसिंग हिम आउट देर इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग हिम विच इज डेली कल्टिवेटिंग और क्योंकि आप नज़दीक रहते हैं तो शायद आप देख लेते हैं ज़्यादा तो मैं अपना फीलिंग बताया और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे गुरुदेव को जिनको मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना जीवन समर्पित करता हूँ जहाँ मैं अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करना बंद कर देता हूँ हिजोरीनेशिल गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवत महाराज की जय